गाना सुनाऊं? गाना तो मेरा मतलब पंजाबी तो मेरा सारे ही गाने फेवरेट है, सिद्धू मूसेवाला के हुए, करण औजला के हुए, बट अभी वैसे गाने में अजीब सा लग रहा है। मैं ये कैमरा बंद करके गा दूं फिर आराम से फील आएगी, रुक जाओ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बंद क्या होता है लेकिन इसमें 1 मिनट थोड़ा सस्पेंस पता नहीं क्यों बन रहा है। चीट होना, अरे सारे गाने सुने भाई, ऐसे अजीब सा लग जाता है। ओल्ड स्कूल गा दूं? ओल्ड स्कूल नहीं, मैं धक्का ही गाने जा रहा हूँ। चलो आओ जंगला च पैंदियां नी वोटा मिठीए, ते है बिल्डा नागरेज इन शेर बल्लिए, डिवाइड रहते करिया इस छड़ी उत्ते नी। यार चरम पता नहीं क्यों आ रही है मेरे को। गाने का मेरा मन हो रहा है बट ना एक वो नहीं आ रहा है, एक अंदर से ना जोश नहीं आ रहा। तो इससे पहले मेरा एक और चैनल था, वो मेरे नाम से ही था, उज्ज्वल चौरसिया। तो उस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, तो उस चैनल पर मतलब वीडियोस पे अच्छे खासे व्यू आ गए। तो मैंने सोचा कि एक अलग चैनल बना दे, इस पे मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि उस पे जो वीडियो पहले डालती वो एडिटेड नहीं थी, मैंने जैसी बनाई वैसी डालती। तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल जब बनाया तो ये जो नाम मैंने सोच के रखा था ना, तो मेरा जो पहला वाला चैनल था उसमें मैं टेक की भी वीडियो डालता था और गेम्स की भी वीडियो डालता था। बट ये वाला जब चैनल मैंने बनाया तो मैं सोचा कि टेक की वीडियो भी डालेंगे और गेम्स की वीडियो भी डालेंगे, तो दोनों नेम को मैंने कंबाइन करा, तो टेक्नो गेमर चैनल का नेम बना था। तो ये मेरे को एक कंप्लीट नेम लग नहीं रहा था, टेक्नो गेमर्स, फिर मैंने सोचा फिर भी सही नहीं लगा, तो फिर मैंने टेक्नो गेमर्स लगा दिया इनमें Z। तो मेन इसीलिए बनाया था कि मैं टेक की वीडियो डालूंगा, गेम की वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी टेक की वीडियो तो डाल नहीं रहा, लेकिन मुझे टेक में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। बट अभी गेम्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट हो गया तो टेक पीछे रह गया थोड़ा, बट उस टाइम पर बहुत ज्यादा था, तो मैं दोनों वीडियो बराबर डालता था। बट अभी इस चैनल पर तो मैं टेक की वीडियो भी तक एक भी नहीं डाली। मैं जो भी नया गेम आ रहा है, जितने भी गेम आ रहे हैं, सारे को कैसा भी हो बस मैं खेल के डाल देता था, जो मेरे को बस अच्छा लगे तो बस मैं उसकी वीडियो बनाई, अपना उस पर बता रहा है, रिव्यू करता था मैं पहले से। कोई गेम नहीं हुआ, पबजी जैसी है तो उस पर पूरा खेलूंगा 1-2 मैच, फिर उस पर वीडियो बना के रिव्यू करके वो मैं डालता था स्टार्टिंग में। फेमस तो जब तक मैं 1 मिलियन तक आ गया था तब तक मेरा मतलब कहीं नाम वगैरह नहीं था, मतलब उतना लगता नहीं था, बस कहीं कहीं मतलब थोड़ा होता था, लोग जानते थे। तो सीन क्या था कि 1 मिलियन तक जो मैंने वीडियोस डाली थी, उस टाइम पर मैंने फेस कैम नहीं करा था, मैं वॉइस ओवर डालता था बट मैंने फेस कैम नहीं करा था, और बिना फेस कैम करे फेस वैल्यू होती नहीं। और जब तक मैं 1 मिलियन आया मैंने कभी मतलब अपने इंस्टाग्राम भी ऐसे नहीं बोला कि इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, बीच बीच में 1-2 वीडियो में बोल देता था, तो इसलिए कोई ऐसा शक्ल वकल से तो नहीं जानता था, बट ये चैनल पर जानते थे। लेकिन जब GTA 5 की सीरीज मैंने स्टार्ट करी तो उसके बाद उस पर जो अच्छे व्यूज आए, और वो थी मेरी फेस कैम के साथ, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ फेस कैम पर थोड़ा सा फेस वैल्यू फिर मिलने लग गया, लोग जानने लग गए शक्ल से कि कौन है टेक्नो गेमर्स, कौन है उज्ज्वल। वरना उससे पहले 1 मिलियन तक इतना ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि फेस कैम नहीं करा था। बहुत तेज हुई और बहुत ज्यादा हुई GTA 5 से, और बाकी तो ऑडियंस का प्यार है, बस ये लोग जल्दी से सपोर्ट करते रहे। तो सीन ये था कि सबसे पहली चीज तो मेरे को यूट्यूब पे पता ही नहीं था कि पैसा मिलता है। मतलब मेरा एक चैनल, मतलब मैंने ऐसी जो मेरा नॉर्मल चैनल बना हुआ था उज्ज्वल चौरसिया नाम से, तो मेरा एक भाई था, उसके पास एक फोन था नॉर्मल एंड्रॉइड फोन, तो उसके फोन से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके गेम खेली, बस नॉर्मल रिकॉर्ड करी और यूट्यूब पे डाल दी। उसके बाद 1 महीने बाद मेरे मतलब जो बड़ा भाई उसने चेक करा कि उस वीडियो पर 100-150 व्यू आ गए थे। फिर बीच में ना मैंने 1-2 वीडियोस और डाली तो उस पर भी 200 व्यूज कुछ ऐसे आ गए थे। उस टाइम पर इतने व्यूज आना, वो भी बिना प्रमोशन बिना शेयर गए, बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू यूट्यूब पे और वीडियोस डाल, मतलब उसे थोड़ा बहुत नॉलेज था इस चीज का कि यूट्यूब में आगे चल के करियर है, ये चीज आगे बढ़ेगी। मेरे को नहीं पता था इस चीज के बारे में। तो फिर उसने मेरे को मतलब मेरा भाई क्या करता था, वो ऑफिस में था, मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था। तो सीन क्या था कि घर वालों का ये कहना था कि जब 12th पार कर लोगे उसके बाद ही फोन मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो फिर मेरे चैनल पर जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे तब भी मेरे पे फोन नहीं था, मैं अपने भाई के फोन से ही वीडियो डालता था। और फिर जब मैंने 12th क्लास पार करी, मतलब जब पास आउट हो गया मैं, तब मेरे को फोन मिला। बाकी तो मैं अपने भाई के फोन से वीडियो डालता हुआ आया हूँ, मतलब जब तक मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुए तब तक तो मैंने अपने भाई के फोन से वीडियो डाली। लेकिन यह है कि यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए मुझे मेरे भाई ने इंस्पायर करा था, बट मेरे को ये नहीं पता था इस पे पैसे वैसे मिलते हैं। और ये चीज मेरे मतलब मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन 6 महीने बाद हुई थी। 4 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, बट उसके बाद भी मतलब इतना 6 महीने में 4 महीने बाद 1000 सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद 6 महीने लगे, मतलब टोटल 1 साल लग गया मोनेटाइज होने में। क्योंकि यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आई थी जिसमें था कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, इतने आज का वॉच टाइम होना चाहिए। तो मेरा सब कुछ कंप्लीट था, लेकिन यूट्यूब ने रिव्यू करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया मेरी एप्लीकेशन को, तो इसीलिए फिर मोनेटाइज होने में बहुत टाइम लग गया था चैनल। बाकी लेकिन मैंने रेगुलर वीडियो डालना नहीं छोड़ा था, वो लग गया। वो चैनल अभी मैंने एक टाइप से ना पूरा प्राइवेट कर दिया है, तो उस चैनल पर अभी कोई मतलब वीडियोस पड़ी है, बट वो एक टाइप से पूरी प्राइवेट है। तो जो ये वाला चैनल मैंने एकदम न्यू क्रिएट करा था क्लैशिंग विद उज्जवल नाम से। जब मेरे चैनल पर कुछ टेक्नो गेमर्स पर जब 1500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे तब मैंने वाला चैनल क्रिएट करा था। तो वो वाला चैनल बेसिकली मैंने इसलिए क्रिएट करा था, मैं उस टाइम पर फ्री फायर खेलता था, पबजी मोबाइल तब नहीं आई थी, रूल्स ऑफ सर्वाइवल थी, फ्री फायर थी, तो ये सब गेम्स में खेलता था। तो काफी सारे लोग देखते थे, मतलब 3-4 हजार व्यूज आ जाते, तो वो लोग कहते थे कि लाइव खेलो। और उस टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग बहुत कम होती थी, मतलब समझ लो होती ही नहीं थी, बहुत कम स्ट्रीमर्स थे। तो दूसरा चैनल मैंने इसीलिए बनाया था कि ताकि मैं लाइव गेम खेलूं और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, वो लोग मेरे साथ आकर खेल सके। तो उनका बहुत रिक्वेस्ट आता था मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो, तो मैं लाइव होकर उनके साथ खेलता था। बट वो चैनल मैंने बनाया था क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए, उसको लाइव खेलने के लिए। फिर उसके बाद फ्री फायर आई, पबजी आई, तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस फिर थोड़ी सी डाउन हो गई थी आने के बाद। बाकी तो लाइव के लिए बनाया था, बट अभी उस पर लाइव स्ट्रीमिंग करता नहीं। एक बार आई थी प्रॉब्लम जब मेरा 10th का बोर्ड हुआ था ना, तो उस टाइम पर मैंने YouTube छोड़ दिया था 2 महीने के लिए। तो क्योंकि सीन ये था कि 10th का बोर्ड था, उसमें सीरियस सिचुएशन थी थोड़ा, मतलब उसी टाइम पर चैनल भी बनाया था, रेगुलर वीडियोस डालना शुरू कर दी थी, बट उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था वीडियोस डालना, क्योंकि 10th का एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम होता, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद जब मेरा 12th का बोर्ड आया तब भी मैंने छोड़ा था, लेकिन मेरे को कभी भी वीडियो डालना ना ये नहीं लगा कि बोझ वगैरह कुछ नहीं। अब क्या है कि मैं पूरे टाइम ना गेम खेलता ही रहता था, जब भी मेरे को मेरा भाई आता था फोन मिलता था मैं गेम ही खेलता था। बस ये था मैं रिकॉर्ड पे लगाकर खेलता था, और फिर मेरे को मुश्किल से मैंने 1 घंटे गेम खेली, अब उसमें से मैं 15 मिनट का वॉइस ओवर करके उसे मैं डाल दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस ये है कि मेरे को अपने लिए 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ता था। बाकी ये जो मैं गेम खेलता था उसी को रिकॉर्ड करके डाल देता था, बिना रिकॉर्डिंग के मैं बहुत कम गेम खेलता था स्टार्टिंग से ही। गोल तो ये नहीं रहा अभी भी मेरी, मतलब जब लॉकडाउन नहीं था तो मेरी क्लासेस चल रही थी जावा की, बाकी कॉलेज भी जाना है, बट कॉलेज मैंने सोचा था 1 साल बाद ज्वाइन करूंगा। ये जो साल है मैंने पूरा यूट्यूब को दिया था, मतलब जब मैं 12th पास आउट कर गया था मैंने डायरेक्ट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं करा, मैं अपना 1 साल मैंने कहा यूट्यूब को देते हैं पूरा, फिर उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करूंगा आराम से। तो अब क्या हुआ कि बीच में मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, तो क्योंकि मैं चाहता था जावा वगैरह जितने भी लैंग्वेजेस है ये भी सीख लूँ, क्योंकि मेरा ना एक शुरू से शौक है अपनी एक वेबसाइट बनाने का, अपनी एक ऐप बनाने का। उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है वो मुझे पता है, लेकिन एक अंदर से मेरा मन करता था कि मैं एक टाइप का कोडर बनूं या प्रोग्रामिंग करूं, अपनी वेबसाइट डिजाइन करूं, तो मेरा एक अंदर से इस चीज का शौक है। बाकी फिर अब लॉकडाउन खत्म होगा तो कॉलेज देखते हैं, अभी मेरा थोड़ा सा अभी समझ नहीं आ रहा। बाकी तो है कॉलेज भी करना है, इम्पोर्टेंट है, हाँ वो फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा 100%। मेरी क्लासेस कम जाती बट ये लॉकडाउन आ गया इसलिए मैं थोड़ा सा वो रह गया मेरा थोड़ा सा कोर्स, बाकी क्लासेस खत्म हो जाती है मैं कुछ ना कुछ तो करता यहाँ पे बैठ के उस ऐप से, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऐप डेवलपमेंट वगैरह के उस चीज से। पेरेंट्स का सपोर्ट ये था कि पेरेंट्स तो बोलते थे पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद जितनी देर फोन चलाना चला लो, लेकिन पहले पढ़ाई का काम खत्म कर लो। तो मेरा ये जो चीज है एकदम परफेक्ट चलती थी, मतलब एकदम टाइम टेबल पूरा फिट था, क्योंकि मेरा भाई रात में ऑफिस से 9 बजे आता था और मैं स्कूल से सुबह आ जाता था, मतलब सुबह जाता था स्कूल 6:30 बजे मैं उठता था, 7:30 बजे निकल जाता था, पास में स्कूल था मेरा, 15-20 मिनट रास्ता था, तो मैं आराम से पहुंच जाता था वहां पर। 8 बजे एंट्री वगैरह होती थी, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाती थी मेरी 2:30 बजे, 3 बजे मैं घर पे पहुंच जाता था। अब उसके बाद 4-5 बजे मेरा ट्यूशन होता था, तो फिर मैं ट्यूशन जाता था, उसके बाद 4 से लेकर 7 बजे तक मैं ट्यूशन से वापस आता था, 1 घंटा रेस्ट करके 8 से 9 में पढ़ाई कर लेता था। फिर उसके बाद 9:30-10 बजे मेरा भाई आता था, तो मैं फिर अपने भाई का फोन लेकर वीडियो बनाता था और उसे डाल देता था। बाकी ये घर वाले इसलिए बोलते थे कि पहले बस पढ़ाई कर लो, 1 घंटा ना बस उनके आगे करीब पढ़ना पड़ता था तभी वो परमिशन देते। अगर जिस दिन मैं नहीं पढ़ता था फिर उस दिन मेरे को डांट पड़ती थी कि भैया फोन नहीं लेना, चुपचाप सो जा। मानते थे, मतलब घर वालों को ये था कि मेरा भाई अगर बोल रहा है मेरे लिए कि तू उस पर वीडियोस डाल तो वो किसी अच्छी चीज के लिए ही बोल रहा होगा। तो इसलिए तो मेरी मॉम थी वो मना करती नहीं, तो मेरे जो डैड थे वो स्टार्टिंग से इतना इस चीज पर बोलते नहीं थे, वो कहते थे ऐश मारो आराम से जियो, लेकिन मॉम थी वो कहती थी पढ़ाई कर लो पहले। अब मॉम ने इसलिए मना नहीं करा कि फोन मत चलाओ क्योंकि मेरा भाई मुझे बोलता था, तो इसीलिए बोलता था कि कुछ अच्छी चीज होगी, इसलिए मॉम मना नहीं करती थी, बट ये कहती थी पहले 1 से 1.5 घंटा पढ़ लो बस, फिर उसके बाद अपना चलाओ फोन, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को उसने एक रास्ता दिखाया है, एकदम परफेक्ट रास्ता, जिस चीज के लिए मैं बना था उस रास्ते पे, मतलब एक पटरी से उस पटरी पे चढ़ा दिया, वरना अगर मैं इधर उधर जाता तो कहीं और पहुंच जाता। अब जो मेरा टैलेंट है वो समझ गया उसने, उस पटरी पे चढ़ा दिया और अभी मैं सही राह पर जा रहा हूँ, और बाकी ऑडियंस का सपोर्ट है बहुत ज्यादा, ये ऐसी सपोर्ट दिखाते रहे बस। स्कूल में मतलब इतना, मतलब जब तक मैं स्कूल में था तब तक तो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं थे, लेकिन हाँ जो टेक्नो गेमर्स वाला चैनल है उस पर 3-4 लाख हो गए थे। तो जो क्लास के फ्रेंड्स थे वो तो नॉर्मली ये वाली गेम में क्या करना है बस ऐसे पूछते रहते थे। बाकी स्कूल में ना कोई, वैसे मैंने बताया था ना, फेस कैम नहीं था तो इतनी ज्यादा शक्ल से लोग पहचानते नहीं थे, बट ये जब मैं उनको बताता ना तो वो लोग कहते थे कि हाँ भाई देखा हुआ है, तुम ही हो गया, ऐसे ऐसे बात होती थी। बाकी टीचर्स वगैरह को इतना नहीं पता था चैनल के बारे में, एक टीचर को पता था, मतलब बता दिया था जो हमारा पीटीआई था, तो उन्होंने कहा था बढ़िया है लगे रहो ऐसे करते रहो। बाकी ये ज्यादा स्कूल में इतना पता नहीं था लोगों को शायद, लेकिन अब पता चल रहा थोड़ा। स्टार्टिंग से मेरे को मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा मेरे को ना, मतलब मैं स्टार्टिंग में भी वीडियो में बहुत कम बोलता था कि चैनल को सब्सक्राइब करो। जब मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है ना तो मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। तो शायद से इंस्टाग्राम थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि 40-40 मिनट की वीडियो होती है। अब इसमें से मैक्सिमम बंदे तो जरूरी नहीं है कि पूरी एंड तक देखेंगे, तो जो एंड तक देखता है उसमें से भी कुछ परसेंट बंदे जाकर ही फॉलो करते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में अगर मैं सोचता हूँ, मेरा ये थिंकिंग है कि अगर मैं स्टार्टिंग में बोल दूंगा कि जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और वीडियो चल रही है, बंदा आधी वीडियो छोड़ के फॉलो करने चले जाएगा तो फिर वो चीज अजीब सी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोलता स्टार्टिंग में। अब तो देखनी मतलब एक के बाद एक सस्पेंस आते रहता है वीडियो में, अब क्या होगा अब क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो GTA 5 का तो ऐसे ही चल रहा है, मतलब उस सीरीज में पूरा ध्यान देना पड़ता है, उसकी एडिटिंग वगैरह में इतने बड़े बड़े एपिसोड होते हैं। तो उसका जो मेन एवरेज वॉच टाइम है, पहली चीज तो मेरे को वीडियो बनाने में लग जाते हैं कम से कम 3 से 4 घंटे होता है रिकॉर्डिंग के। तो मैं उसमें से वही मैक्सिमम पार्ट को एडिट करता हूँ, मतलब कि जो एकदम ना अच्छा लगे लोगों को, फालतू बोरिंग एरिया जो है जिससे ऑडियंस बोर हो वो चीज मैं हटा देता हूँ। तब भी जाकर वीडियो 40 मिनट की बचती है। अब उसमें से जो 40 मिनट की वीडियो होती है उसमें एवरेज वॉच टाइम मेरा जो YouTube दिखा रहा है वो 25 मिनट का कुछ होता है, यानी कि समझ लो 65% का कुछ रहता है एवरेज वॉच टाइम। और जो मेरी बाकी वीडियोज होती है उसका भी ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन GTA से थोड़ा कम होता है। तो बाकी कुछ ऑडियंस है ना थोड़ा सा भगा भगा कर देखती है, तो हो सकता है उससे ज्यादा थोड़ा एवरेज वॉच टाइम कम हो, लेकिन सही है। पहले भी मैंने एक 50 मिनट का एपिसोड डाला था ना, तो उसमें मैं सोच रहा था कि मैं जितने एपिसोड की लेंथ बढ़ा रहा हूँ उतना ज्यादा ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा था वीडियो बनाने में। जितना बढ़ रहा है बढ़ने दो, ठीक है ऑडियंस जब तक देख जाए अच्छा है। लेकिन बीच में जो 50 मिनट का एपिसोड डाला उसके नीचे कमेंट्स आए कि आधा मैं आज देख रहा हूँ आधा कल देखूंगा। मैंने कहा ऐसा चला तो फिर तो YouTube वीडियो डाउन कर देगा कि बंदे आधी देख के बंद कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा नहीं कोई नहीं 40 मिनट का करते हैं वो बेस्ट है। और अभी मैक्सिमम बंदे यही कहते हैं कि 30+ डालो बस, अपने को अच्छा लगता है। तो सबसे पहली चीज तो मतलब जो भी YouTube पर जब बंदे आते हैं ना तो स्टार्टिंग में उनका ये रहता है एक वीडियो डालते हैं फिर दूसरी डालते हैं तीसरी डालते हैं और व्यूज नहीं आते तो वो छोड़ देते हैं। तो देखो अगर YouTube पे आ रहे हो तो पहली चीज तो एक पूरा मन बना के आओ कि हाँ करना है, और ये नहीं कि साथ के साथ अगर पढ़ाई चल रही है तो स्कूल भी जा रहे हो यूट्यूब भी कर रहे हो। मैंने ये चीज करी थी, मतलब मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक फिर टाइम टेबल परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ाई भी करनी है और यूट्यूब को भी टाइम देना 3 से 4 घंटे का डेली, और पढ़ाई भी करनी है मेरे को 4-5 घंटे। तो ये चीज को पहले एक टाइम टेबल होना चाहिए। और यूट्यूब पे जो सबसे मेन चीज है वो ये देखता है कि जो तुम्हारा एवरेज वॉच टाइम है, मतलब लोग तुम्हारी वीडियो कितनी देर तक देख रहे हैं, वो इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। तो मतलब अगर तुमने 5 मिनट की वीडियो डाली है और लोग तुम्हारी वीडियो को 3 मिनट तक भी देखे, मतलब 50%+ वॉच टाइम है, तो वो वीडियो को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना उनको भी सजेस्ट कराएगा, उनके होम पेज पे वीडियो दिखेगी। तो इससे क्या वीडियो दिखेगी, वीडियो खोलेंगे, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे अगर अच्छी हुई वीडियो। तो सबसे पहली चीज तो वॉच टाइम पर ध्यान देना पड़ता है। और वीडियो में जो सबसे मेन होता है ना कि एक क्वालिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी खराब है बंदा वीडियो बंद कर देगा, क्वालिटी थोड़ी होनी चाहिए और ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सबसे मेन होता है थंबनेल, उसके बाद थंबनेल अट्रैक्टिव बनाओ, मतलब ये नहीं कि पूरा क्लिक बेट भर दो, क्लिक बेट करो इंपॉर्टेंट है क्लिक बेट आज के टाइम पे करना, तो एक अट्रैक्टिव बनाना चाहे वो क्लिक बेट करके बने चाहे ना बने। अब ये नहीं कि इतना क्लिक बेट कर दो कि जो तुमने दिखाया वो वीडियो में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, मतलब कि तो इस टाइप का बनाओ कि थोड़ा बहुत तो क्लिक बेट कर दो उसके थंबनेल में, थोड़ा अट्रैक्टिव बना दो। और सबसे जो उसके बाद मेन चीज आती है क्वालिटी वगैरह की होगी, और मेन वही है मेरे को तो सबसे ज्यादा जिस चीज पे मैं फोकस करता हूँ वो ये है कि अगर वीडियो में 10 मिनट की डाल रहा हूँ तो बस उसको लोग 50% से ज्यादा देखें, और अगर एवरेज वॉच टाइम अच्छा है तो यूट्यूब वीडियो को जरूर सजेस्ट कराएगा। और सबसे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है रेगुलर डालो, एक टाइम से डालो, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरी वीडियोस 9 बजे डल जाती थी, बट अभी क्या है मैं कभी भी सो जाता हूँ कभी भी उठ जाता हूँ, तो फिर टाइम टेबल ना थोड़ा सा इसमें खराब हो गया है। बट ये है कि मेरी वीडियो ज्यादा लेट नहीं होती, 2 से 3 घंटे लेट हो जाती है, 1-2 घंटे लेट हो जाती है, बट ये नहीं कि 6-6 घंटे लेट आ रही है। तो बीच में ऐसा हो गया था मेरी तबियत खराब हुई थी, उसके बाद से मेरा टाइम टेबल खराब हुआ, वरना तब तक मैं डेली 9 बजे एकदम करेक्ट उसी टाइम पर मैं वीडियो डालता था और डेली डालता था। तो ये चीज है डेली डालो, करेक्ट डालो, और अगर चलना है तो फिर वही गेम्स खेलो जो ट्रेंड पे हो, ये नहीं कि तुम बहुत पुरानी गेम उठाकर खेल रहे हो। और अपना ना एक टैलेंट पहचानो, मतलब कि अगर फनी वीडियो बना सकते हो तो फनी वीडियो को बनाने में क्या होता है ना सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है एडिटिंग पे। अब जो मेरी वीडियो है वो फनी वीडियो नहीं होती, एक स्टोरी मोड गेम की वीडियो होती है, मतलब पूरा स्टोरी समझनी होती है, तो मैं मेन कमेंट्री पे ध्यान देता हूँ। लेकिन जो फनी वीडियो बनानी है, अगर गेमिंग में फनी वीडियो भी बहुत ज्यादा चलती है मतलब कमेंट्री के साथ साथ, तो उसमें मेन हमें एडिटिंग में ध्यान देना होता है, तो एडिटिंग पर भी ध्यान देना है। बाकी ये टाइम से डालो, शेड्यूल से डालो, और ये देखते रहो कि वॉच टाइम क्या चल रहा है वीडियो। अगर तुम कहीं ऐसा है, बहुत सारे लोग होंगे ये सोच रहे हो कि मैं 40 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं भी 40 की डालूंगा मेरी भी चलेगी। अगर मान लो उसने 40 की डाल दी, अब उसका वॉच टाइम भी 2 मिनट का आया तो फिर वो वीडियो डाउन हो जाएगा, डाउन कर देगा यूट्यूब ऑटोमेटिकली, चाहे तुम्हारी वीडियो कितनी भी अच्छी हो। तो एक एवरेज वॉच टाइम अच्छा होना चाहिए। 10 मिनट की वीडियो डालो, अगर लोग उसे 10 मिनट से ज्यादा देख रहे हैं तो ठीक है वो वीडियो चलेगी, कोई नहीं रोक सकता फिर चलने से। बाकी ये जो मैंने स्टार्टिंग करी थी, तो स्टार्टिंग मैंने रेगुलर डाली, 4 महीने मेरे को लगे थे 1000 सब्सक्राइबर करने में। और पूरे 4 महीने मैंने ना काफी सारे फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, तो उसमें मैं डेली जो भी वीडियो डालता था, डालते ही मैं उस पर पहले शेयर कर देता था। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर रखे थे, उसी में मैं सारी वीडियोज अपनी शेयर करते रहता था। बस जाते जैसी डाली उस सब ग्रुप में जाकर शेयर कर दी, तो कुछ व्यूज आ जाते थे, एक सब्सक्राइबर बेस बन जाता है। मतलब कि 50 लोगों की भी ऑडियंस आ गई, वो बहुत है। तो इस टाइप से होगा। और जैसे अगर रेगुलर डालते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, एक वीडियो तुम अगर भी अच्छी बना दी, एक वीडियो भी चल गई ना, तो उसके बाद चैनल चल जाता है। मेरे साथ हुआ था, मेरी एक ड्रैगन बॉल जी की वीडियो थी, वो पीसी गेम, मतलब कि वो एक PS4 गेम था जो कि एंड्रॉयड में अभी तक भी नहीं आया, मतलब इम्पॉसिबल है, उतनी ज्यादा ग्राफिक्स वाला गेम है। तो एक ऐप थी क्लाउड गेमिंग करके, तो उसमें 1 घंटे का फ्री ट्रायल मिलता, तो मैंने वो ट्रायल खेल के डाल दिया था। तो मैं तो उस मेरा जो पहली वीडियो चली थी वो वही वाली थी, तो 2.5 लाख वगैरह कुछ व्यूज आए थे उस पे। उस टाइम पे 2.5 लाख व्यूज तो बहुत बड़ी बात थी। तो उसी चीज से क्या हुआ था, मेरे चैनल पे ड्रैगन बॉल जी की वीडियो चलने लगती थी। फिर मैं जो भी वीडियोस डालता था उस पे अच्छे व्यूज आ जाते थे, एक एवरेज व्यूज आ जाते थे। बाकी तो ये जो न्यू आना चाहता है यूट्यूब पे, सबसे पहली चीज जो गेम्स ट्रेंडिंग में चल रही है उनको खेलो, और साथ में थोड़ा कमेंट्री अच्छी कर दो, और क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान रखना है, और थंबनेल पे ध्यान रखना है, और टाइम से डालो, बस चला देगा यूट्यूब अपने आप ही खुद ही वायरल करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 250 बंदे हैं, 10 ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए, सोचो कितने सारे लोग हो जाएंगे, मतलब कि 2,500 लोग हो गए 10 ग्रुप भी। अब 2,500 में से सिर्फ 200 लोग भी खोल ले, 100-200 व्यूज आ गए, अब उसमें से 50 लोग भी सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइबर बेस बनाना पड़ता है पहले, मतलब 100-200 बंदों का, बस। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलने लग जाता है। बस ये नहीं सोचना कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे, सिर्फ 10 व्यू आ रहे, 5 व्यू आ रहे, तो मैं नहीं डाल रहा, भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होता। लगे रहना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बस। 2-3 इयर्स में तो सबसे पहली चीज तो अभी जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालू, एक दिन भी मिस ना करूँ। बाकी ऑडियंस का सपोर्ट भी ऐसी बना रहे, तो जो जो मतलब कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। मतलब कि जैसे कह रहे हैं ये गेम खेलो, कमेंट्स में आते हैं। मतलब मैंने माइनक्राफ्ट खेलने का मेरा कोई मन नहीं था, माइनक्राफ्ट जैसे मैंने गेम खेली थी बहुत टाइम पहले, तो मेरे को बहुत कमेंट्स आए माइनक्राफ्ट खेल। जब मैंने देखी तो ग्राफिक्स ही नहीं है इस गेम में, तो फिर भी मैंने लेकिन स्टार्ट करी, लेकिन अब खेल रहा हूँ तो अच्छी लग रही है, और ऑडियंस का भी सपोर्ट आ रहा है। बाकी यही है, 2-3 साल बाद तो मतलब एक तो मन होता है कि टॉप पे जाना है, लेकिन अब जो टॉप पे बैठे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कि वो रुक जाएं या फिर मैं उनको डाउन करने की कोशिश करूं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जैसा चल रहा है, तो बस। गाना सुनाऊं? गाना तो मेरा मतलब पंजाबी तो मेरे सारे ही गाने फेवरेट है, सिद्धू मूसेवाला के हुए, करण औजला के हुए, बट अभी वैसे गाने में अजीब सा लग रहा है। मैं ये कैमरा बंद करके गा दूं, फिर आराम से फील आएगी, रुक जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बंद कैमरा होता है। लेकिन इसमें 1 मिनट थोड़ा सस्पेंस, पता नहीं क्यों बन रहा है, चीट होने आ रहे हैं, सारे गाने सुने भाई, ऐसे अजीब सा लग रहा है। ओल्ड स्कूल गा दूं? ओल्ड स्कूल नहीं, मैं धक्का ही गाने जा रहा हूँ, चलो। आओ जंगलां च पैंदियां नी वोटा मिठिए ते है बिटाना अंग्रेज इन शेर बल्लिए डिवाइडर ते करी आई छड़ी उत्ते नी। यार चरम पता नहीं क्यों आ रही है मेरे को। गाने का मेरा मन हो रहा है, बट ना एक वो नहीं आ रहा है अंदर से, ना जोश नहीं आ रहा। तो इससे पहले मेरा एक और चैनल था, वो मेरे नाम से ही था, उज्जवल चौरसिया। तो उस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, तो उस चैनल पर मतलब वीडियोस पे अच्छे खासे व्यू आ गए, तो मैंने सोचा कि एक अलग चैनल बनाते, इस पे मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि उस पे जो वीडियो पहले डाली थी वो एडिटेड नहीं थी, मैंने जैसी बनाई वैसी डाल दी। तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल जब बनाया, तो ये जो नाम मैंने सोच के रखा था ना, तो मेरा जो पहला वाला चैनल था उसमें मैं टेक की भी वीडियो डालता था और गेम्स की भी वीडियो डालता था, बट ये वाला जब चैनल मैंने बनाया तो मैं सोचा कि टेक की वीडियो भी डालेंगे और गेम्स की वीडियो भी डालेंगे, तो दोनों नेम को मैंने कंबाइन करा, तो टेक्नो गेमर चैनल का नेम बना था।